जितेंद्र गुप्ता स्टार सवेरा के साथ। आज मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद क्षेत्र में। हमारे बीच प्रियंका सक्सेना जी से सीधी बात करेंगे, ये आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं और CTI वुमेन से कोषाध्यक्ष हैं, तो इनसे हम सीधी बात करेंगे। प्रियंका सक्सेना जी, आपका स्वागत है स्टार सवेरा में। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा एक सवाल है कि आप जो जुड़ी हैं आम आदमी पार्टी से, कितने वर्ष हो गए और आप कैसे जुड़ी हैं आम आदमी पार्टी? 2.5 साल पहले मैं बेसिकली NGO एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। हम डेली लक्ष्मी नगर के नियर बाय क्षेत्रों के अंदर स्लम एरिया की सर्विसेज देते हैं, तो वहाँ पे कोई नोन थे मिस्टर तामिर अहमद, उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप स्टेट गवर्नमेंट की जो आम आदमी पार्टी की एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर भी पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि वो भी ऐसे ही अंडर प्रिविलेज लोगों को सर्विसेज देते हैं। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हम जुड़े, फिर अंदर आते हुए चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की वुमेन काउंसिल फॉर्म हुई, वुमेन काउंसिल के अंदर हमने एक्टिविटीज़ शुरू की, वहाँ पे काफ़ी रिकॉग्निशन मिला एक्टिविटीज़ से, जिसमें सोशल कॉजेस के लिए स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर के एनकरेजमेंट के लिए हमें वहाँ पे बहुत सारा योगदान मिला, सरकार से भी मिला और उसमें हमने भी अपना बहुत एफर्ट मारा, जिसके चलते फिर CTI वुमेन काउंसिल में मेरे को ट्रेजरर का पोस्ट मिला और आज हम सब भी बहुत ही अच्छी कंट्रोलिंग टीम के अंदर आ गए हैं, जहाँ पे 500 से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डेली NCR के नियर बाई रीजन में। एंड मार्च में अराउंड 15 मार्च को हम इवेंट करने वाले थे, जहाँ पे ऑलमोस्ट 7 स्टेट से हमारे साथ और भी बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जुड़ने जा रहे थे, बट ड्यू टू COVID-19 आने की वजह से सोशल सारे प्रोग्राम्स कैंसिल हुए, जिसके चलते वो प्रोग्राम भी अभी रद्द हो गया है। हाउएवर आज की डेट में 500+ 7 स्टेट से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कनेक्टेड हैं हम सब साथ में, और हम एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ रहे हैं और औरों को भी दिशा दिखा रहे हैं कि कैसे सब लेडीज़ अपने घर से बैठ के ही अपने बलबूते पे, अपने पैरों पे खड़े होकर अपने घर को, अपने परिवार को चला सकते हैं। अच्छा प्रियंका जी, आपसे एक सवाल आ रहा है, जैसे लगातार आप देख रहे हैं दिल्ली प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर प्लान कर रहे हैं और दिल्ली सरकार दावा ठोकती है कि हम हर सुविधा हम दे रहे हैं, तो उसके बावजूद भी मजदूर प्लान क्यों कर रहे हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा तो मैं इसके बारे में नहीं राय रखती, बिकॉज COVID-19 आने के बाद मैं भी घर के अंदर लॉकडाउन स्थिति में हूँ, बट जहाँ तक मेरी राय जाती है, मुझे ये लगता है कि भले ही सरकार प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सारे मजदूर एक बहुत अनसर्टेनिटी के माइंड से सेटअप हैं। इनका माइंडसेट बिल्कुल अभी अनसर्टेन हो रखा है रिगार्डिंग कि ये बीमारी पता नहीं कब तक रहेगी, ये महामारी कब तक लंबे रन तक जाएगी, बिकॉज एज सच जैसे न्यूज़ में एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं सर 1 से 2 साल तक तो ये बीमारी नहीं जाने वाली। तो अब एक मजदूर जो दिहाड़ी बेसिस पे कमाता था, उसको 2 साल के लिए आप बिल्कुल अनसर्टेनिटी दिखा दो कि 2 साल तक तो कोई काम आपको मिलने नहीं वाला, तो ऐसे में उसको आज की डेट में सरकार 2 वक्त की रोटी दे भी दे, तब भी उसका माइंडसेट सेट नहीं होगा वहाँ पे जमने के लिए, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहेगा, और हर इंसान का कम्फर्ट जोन अपना घर ही होता है, तो चाहे उसका घर 500 किलोमीटर दूर हो चाहे 1000 किलोमीटर दूर, हर इंसान चाहेगा कि मैं भले आधी रोटी खाऊं, लेकिन मैं अपनी छत के नीचे, अपने घर के नीचे, अपने लोगों के बीच में पहुंच जाऊं किसी तरह। प्रियंका जी, आपसे एक सवाल आ रहा है, जैसे कि मजदूर वर्ग अपने घर की तरफ प्लान कर गए हैं, और क्या लगता है आने वाला जो समय है, सिचुएशन दिल्ली का, रोजगार को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है रोजगार कब तक अपने पटरे पर लौटेगा? इसमें तो मैं कहूँगी जैसे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है या न्यूज़ में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस पर्सन के रिमार्क्स आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली तो मुझे ये लग रहा है कि शायद आज हमारा, अगर मैं कहूँ हम यहाँ पे थे COVID-19 से पहले और अब COVID-19 के बाद यहाँ आ गए हैं, तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आई थिंक अगले 5 साल लग जाएंगे। हम 5 सालों में अगर करंट प्री COVID-19 सिचुएशन तक भी पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात समझेगा, बिकॉज जिस तरह से लेबर अपने घर जा रहा है, ये बात भी तय है कि हमारी इकोनॉमी में लेबर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, लेबर अवेलेबिलिटी कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो चीज़ें महंगी होंगी, लेबर महंगी होगी तो हर चीज़ महंगी होगी, चाहे वो आपका दाल राशन हो, चाहे वो आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो, कोई भी काम हो, वो हर चीज़ दुगने तिगने दामों पे बढ़ता जाएगा, और यहीं पे सिर्फ महंगाई नहीं छलांग मारेगी, कमाई के जरिए भी कम हो जाएंगे, क्योंकि वो लेबर जो अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर चुकी है उनके पास कितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि आज की डेट में जैसे न्यूज़ में सुनने में आ रहा है, हर वो लेबर जो सैकड़ों मील चल के अपने घर जाना चाह रही है, हर एक की एक ही राय है कि हम पलट के कभी शहर में आएंगे, तो ये मान के चलिए कि उस लेबर के माइंड में ये डर तो बैठ गया है कि अगले 4-5 साल तक लेबर अर्बन एरिया में नहीं आएगा, तो आप सोचिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ घटेंगी,
महंगाई बढ़ेगी तो स्थिति बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो सकती है। हर जिम्मेदार नागरिक और हर एंटरप्रेन्योर अपनी अपनी तरफ से सेल्फलेस होकर कंट्रीब्यूट करें। सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन का मतलब इतना ही है कि जैसे मैं एम्प्लॉयर बोलूँ कि आज की डेट में अगर मेरे पास 40 एम्प्लॉयज़ हैं और मैं 40 के 40 एम्प्लॉयज़ को शायद पूरी तनख्वाह ना दे पाऊँ, लेकिन मैं उन्हें आधी तनख्वाह दे के इतना उनको सिक्योरिटी दिखा दूँ कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, तुम भी यहीं पर रहो। एज वेल एज जैसे अभी कंपनी का सुनने में आया एशियन पेंट्स, उन्होंने तो बहुत एक ही अच्छा मोटिवेशनल टेक्निक निकाली। उन्होंने अपने हर एम्प्लॉयज़ को दुगनी तनख्वाह दी इस महीने, सिर्फ ये जताने के लिए कि आप बिल्कुल निश्चित रहें कि आप सिक्योर्ड हाथों में हैं, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपको भी कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के चलते ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप इकोनॉमी में संभल पाएगा, और जितना हम इसको संभाल पाएंगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे, इन्फ्लेशन को रोक पाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल, आप कहते हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा, आप यहाँ पे वर्किंग कर रही हैं, क्या क्या बेसिक समस्या आपको लगती है? देखिए, लक्ष्मी नगर में मेरा वर्क प्लेस है, कर्म भूमि है, और वहाँ पे आज से नहीं, मैं मोर देन 15 इयर्स हो गए वहाँ पे काम करते करते। तो अगर मैं वहाँ पे देखूँ, बेसिकली जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखती है वो प्रॉब्लम आप ये समझिए क्लीनिनेस की है, हाइजीन की है, सैनिटेशन की है। वहाँ पे कोई साफ सुथराई नहीं है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। रीज़न भी मे बी वहाँ पे स्ट्रक्चर्स इस तरह से बने हैं कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं, बहुत छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे घर हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग, नंबर ऑफ जो पीपल हैं वहाँ पे ज़्यादा रह रहे हैं। अगर मैं लक्ष्मी नगर में बात करूँ तो वहाँ पे पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन इतने हैं कि एक एक बिल्डिंग में आपको सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स ही मिल जाएंगे। तो जहाँ पे भीड़ इतनी है, ऑब्वियसली बात है, वेस्ट भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन वेस्ट की जो प्रोडक्शन लेवल है उस हिसाब से सैनिटेशन क्लीनिनेस बिल्कुल नहीं है। और COVID-19 के बाद ये समस्या और गहरा जाएगी मेरे मुताबिक, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं, क्लीनलीनेस का कोई सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है। तो ऐसे में आप सोचिए कि जो बीमारी ऑलरेडी बहुत बड़ा रूप ले चुकी है उसको हम किस हद तक संभाल पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। तीसरी जो मेजर इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है वहाँ पे, वो स्लम एरियाज़ हैं। वहाँ पे इतने सारे अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑब्वियसली बात है, आप स्लम में बात कीजिए तो एक एक झुग्गी में 10-10 लोगों का परिवार रह रहा है। पोस्ट COVID-19 आप समझिए, वो लोग अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे, अब उनका क्या होगा, उनका क्या होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऑल्दो हम अपने लेवल पे बहुत पुरसंभव कोशिश करते थे उनको बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज पहुंचाने की, बट हमारी भी अपनी एक लिमिटेशंस हैं, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और पोस्ट COVID-19 हमारे रिसोर्सेज और कम होंगे, उनकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी। इसको कैसे मैच करना है, इसके लिए सीनियर अथॉरिटीज़ को ज़रूर गहराई से सोचना होगा और उस पर एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। इतना भी मैं कहूँगी कि जितना एक्सपर्ट्स की राय निकल के आ रही है, या जैसे मार्केट में बोला जा रहा है कि चाइना के अब सब अगेंस्ट हो गए हैं COVID-19 के बाद, और बहुत बड़ा स्कोप निकल के आ रहा है इंडिया के लिए कि वो चाइना की सब्स्टिट्यूट बने, तो अगर इंडिया चाइना की सब्स्टिट्यूट बन जाए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा, आप समझिएगा, एक जोन आएगा, एक साइक्लोन आएगा, जहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज़ को कई गुना संख्या में बढ़ा भी सकते हैं। बट उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी, पहला एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लानिंग, और दूसरा हर इंसान का उस पर ईमानदारी से कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर हर इंसान अपने लेवल पर ईमानदारी से कॉन्ट्रीब्यूट करे टूवर्ड्स दी स्ट्रैटेजीज मेड बाई गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, बी एट सेंट्रल लेवल पर काम करे या स्टेट लेवल पर, उसमें हर इंसान कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो इस अपॉर्चुनिटी को हम पॉजिटिव वे में भी एनकैश कर सकते हैं, और हो सकता है हम अपनी अपना इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट भी दे सकते हैं। अच्छा प्रियंका ससैना जी, आपसे एक सवाल हो रहा है लास्ट, जैसे कि मैं जानना चाहूँगा, आप जैसे आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं, सीटीए से जुड़ी हैं, मगर आपका मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग के लोग हैं, उनमें आपका क्या योगदान है? मैंने जैसे सर्विंग में भी आपको बोला था कि मैं पार्टी से जुड़ने का या सीटीए से जुड़ने का मेजर जो रीज़न था वो स्लम एरिया से रिलेटेड था। स्लम में ही हम सर्विसेज देते थे। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में हूँ, तो हमने यही सीखा है जितना मिले उससे ज़्यादा सोसाइटी को वापस देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम अपने लेवल पे सोशल एक्टिविटीज़ करते थे, अंडर प्रिविलेज बच्चों को बेसिक एजुकेशन देना, उनकी एटलीस्ट 12वीं तक की पढ़ाई को पूरा कराना, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ पढ़ाई के रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो प्रोवाइड कराना, बेसिक फूड एकोमोडेशन लेना, उसमें हमने अराउंड 40 प्लस स्टूडेंट्स एडॉप्ट भी किए हुए हैं जिनके हम खाने पीने का पढ़ाई का सारा खर्चा उठाते हैं। ये सब एक्टिविटीज़ करके मैं जुड़ी, पार्टी से जुड़ी, मैं CTR वुमेन काउंसिल से जुड़ी, और अब यहाँ पे आके मुझे लगता है कि मेरा स्केल एक बहुत बड़े अच्छे लेवल पे आ गया है, तो हम मिडिल क्लास लेवल को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें वुमेन काउंसिल के अंदर हमारा मेन
जो मोटिव होता है वो हर लेवल की वुमेन को एंटरप्रेन्योर में तब्दील करने का होता है। अब अगर कोई लेडी अपने घर पे एज अ हाउस वाइफ रह के भी काम कर रही है तो उनको हम बोलते हैं आप अपने घर पे ही रह के दिन में 3-4 घंटे निकाल के एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दिखे। फॉर एग्जाम्पल COVID-19 के बाद अब जो फेस टू फेस मार्केट है वो बहुत हद तक हैम्पर होगी, उस पर नुकसान पहुंचेगा, तो सब कुछ अब ऑनलाइन मोड में आ जाएगा। और ऑनलाइन मोड में आएगा तो आज की डेट में 90% घरों में हम कहेंगे स्मार्टफोन भी है, लैपटॉप भी है, नेट फैसिलिटीज़ भी हैं। तो ऐसे केस में हर महिला अपने घर में दोपहर के टाइम पे 1-2 घंटा अपने लिए वक्त निकाल के इन ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के साथ के द्वारा हमसे जुड़ सकती है। और वहाँ पे हम उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे सकते हैं जहाँ पे एक बड़ा कस्टमर बेस उनके लिए रेडिली अवेलेबल हो। फिर वो अपनी हॉबीज़ को ही वहाँ पे कन्वर्ट कर सकती हैं। किसी को कुकिंग अच्छी आती है तो वो कुकिंग की ट्रेनिंग, कुकिंग की सप्लाई दे सकती है प्रोडक्ट की। किसी को सिलाई कढ़ाई में रुचि है तो वो उसमें संसाधन क्रिएट कर सकती है। तो इसके द्वारा अभी हम करंटली MSME की रजिस्ट्रेशन स्कीम्स आई हैं, उनके द्वारा भी हम स्कीम्स डेवलप कर रहे हैं। अभी हम स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम हर मध्यम वर्ग, उच्चतम वर्ग और जो निम्न वर्ग है, हर वर्ग की महिलाओं को हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे सकें। तो इस सब के ऊपर हम ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी अगले 2-3 महीने के अंदर इसको एक बड़े लेवल पे एग्जीक्यूशन के अंदर ला सकेंगे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।